अच्छा आप ये बताइए, इस किले के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जब अंग्रेजों का शासन खत्म गए तो इधर में जब अंग्रेज लोग चले गए थे तो अशोक सम्राट का राज चला। अच्छा, अशोक सम्राट ने कुछ साल राज किए। हाँ, तो उसने किला बनवाना था तो अशोक सम्राट ने खुदवाया। अच्छा, उसके बाद अकबर ने कब्जा किया। अच्छा, अकबर ने कब्जा कर लिया। अकबर ने कब्जा किया, अशोक सम्राट को भगा दिया गया। अच्छा, अशोक सम्राट को भगा दिया गया। तो किला ने देख सकते हैं, यही किला है वो जो अकबर का किला है, बहुत काफ़ी दूर में बनाया गया है, बहुत भव्य है। और इसके अंदर हम लोग चलेंगे, आप लोगों को वो भी वीडियो दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा। समय देखते हैं, समय मिलेगा तो हम आप लोगों को अकबर का किला भी दिखाएंगे। सामने आप लोग को दिख रहा है जो अकबर का किला है, आप लोग देख सकते हैं। अशोक सम्राट इस पर पहले कब्जा किया था, लेकिन अकबर ने अपना जीत हासिल करके इसको अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं अकबर इसको बनवाया है उस किले को, जिसका नाम था अकबर का किला। देख सकते हैं बहुत काफ़ी दूर में है यह किला। वो हम लोग किले से अब धीरे धीरे घूम रहे हैं, चलेंगे अब हम लोग है ना अकबर का किला है। हिंदू राज है, ना अकबर का रह गया ना अशोक सम्राट का, ये हिंदू राज किला। हाँ, अकबर कभी नहीं रह गया। नहीं रह गया, अब हिंदू राज आ गया है ना, तो हिंदू राज रहेगा ना। अकबर है क्या, यहाँ अकबर है क्या, समय था वो रहा, एक समय था तो अकबर का था ना, अब एक समय अकबर का ना किसी का नहीं, बस हिंदू राज। हिंदू राज, अच्छा ये करें, ये जो लगाए हैं आप इसका क्या उद्देश्य है? इसको इसलिए लगाए हैं कि जैसे गर्मी बढ़ता था ना, यहाँ पे देख रहे हैं लगाया गया, उन लोगों का कैंप है क्या, ये सब पुलिस वाले कैंप है। ये सब ये गंगा जी में क्यों कैंप लगाए हैं? यमुना जी, यमुना जी, यमुना जी में गहराई होता है और यमुना जी अस्थाई होता है, ये बहती नहीं है। गंगा जी बहती है, गंगा जी का स्पीड जल है, मतलब ये गंगा जी यहीं तक के रहते हैं। गंगा जी काशी बनारस पटना बिहार बंगाल खाली जाती है, खाली गंगा नदी जाती है, गंगा जी बस इसी जगह रहती है ना। वाह, ये देखिए, ये बात बहुत अच्छा लगा हमें। पंद्रह जनवरी 2024 का दोस्तों, आज आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में यमुना तट पर अकबर का किला जो कि बना हुआ है, सामने देख सकते हैं, वहां का आप लोगों को थोड़ा सा परिचय इस वीडियो के माध्यम से कराया। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे को दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।